Papa Series Season 2 is brought to you by House of Sona. क्या हो? आप नहीं तुम गेम पॉज करें फिर ओके खेलना नहीं ओके कौन था? अरे ये किसका बच्चा उठा के लिया है? एग्जाम्स तो तुमने बड़ी मेहनत करके दिए थे पर रिजल्ट आने से पहले ही भाग गए हैं? पर मैं तो मैट्रिक फेल हूं। ये लो रिजल्ट आ गया है, संभालो अपना बच्चा। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गैरत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी शादी में अपने बाप को ही नहीं बुलाया। वाह पप्पा वाह, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, क्या एक्सप्रेशंस हैं। यार नॉमिनेट हुआ था लेकिन लिनाडो ले गया ना इसलिए। शर्म मुझे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। मेरी और मम्मा की पीठ के पीछे क्या गुल खिलाया आपने। मेरा बच्चा नहीं आपका बच्चा, ये आपकी जिम्मेदारी है, पकड़े आप इसे। मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी पापा कुछ लेके आते हैं। क्या हो गया, इसने मेरे सारे केक क्यों खा लिए? ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। क्या हो गया, इसने केक खा लिए तो? छोटा भाई है, भूख लगी थी। अच्छा पकड़ो उसे जरा, दो मिनट, मैं आता हूं एक घंटे में। आंखें नीचे करो वरना मार दूंगा, नीचे करो आंखें। ये क्या मजाक है, ये मेरे खिलौने से क्यों खेल गए? देखो बेटा, छोटा भाई है आपका, अब आप तो इतने बड़े हो गए हो, आप तो खिलौने से नहीं खेलोगे ना, आपका छोटा भाई खेलेगा। आप क्या छोटा भाई लगाया हुआ है? मेरा भाई भाई नहीं है, सिर्फ आपका बेटा है, और आपकी आंखों में जरा शर्म नहीं है? मतलब बगैरत, बाप से जबान लड़ाता है। रुको शमसी, ये मैंने मम्मा को सब बता के बुला लिया है, अब आपको पता चलेगा सही वाला। तुम तो कहते थे यही कि मेरा एक प्यारा सा लल्ला होगा जिसकी आंख नाक कान बाल सब तुम पर जाएंगे। हाँ तुम पर तो गए हैं, पर अफसोस इस बात का है कि लल्ला हमारा नहीं है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। आज से इसका खाना पीना पैंपर दूध सब तुम करोगे। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है हम्माद, और हमारा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है पप्पा। भजन एक पैंपर देना, 3 नंबर साइज का। पैंपर पर किसके लिए? इस उम्र में खुशखबरी। अरे नहीं बेटा, पेपर मांगा था, इन्होंने पैंपर दे दिया। क्या यार तुम भी। और बेटा सब खैरियत है, मिलते हैं आपसे शाम में। लेकिन 3 नंबर साइज पेपर। जाओ ना यार, सॉरी भाईजान, वैसे पैंपर ही था। अरे ये क्या कर रहे हो?
आज से घर का उतना हिस्सा तुम्हारा है, तुम इधर नहीं आ सकते, लेकिन हम दोनों सारे घर में घूम सकते हैं। अरे यार शमसी, तुम तो बिल्कुल ही कसम खुदा की यार। शुक्र करो तुम्हें इस घर से नहीं निकाला मैंने। लेकिन मैं सोऊंगा किधर? एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। नाउ गेट लॉस्ट। शम्सू, बच्चे संभालने आते नहीं है, बस पैदा कर लेते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा मिल गया। क्या मतलब मेरा बच्चा? ये शम्सू का बच्चा है। हाँ भाई, ये तो पप्पा का बच्चा है। ओ भाई, मेरा बच्चा है ये। देखा बेटा, हम मत मैं कह रही थी ये इसी का बच्चा है। अरे आप लोगों का बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है। असर बेटा इधर आना। ये अब्बू बताओ जरा इन्हें क्या किया तुमने। देखिए भाई, सीन ये है कि मेरी उम्र हो गई है 25 साल, और 5 साल की उम्र से भरते ही चले जा रहा हूँ, भरते ही चले जा रहा हूँ, भरते ही चले जा रहा हूँ। अब मेरा छोटा भाई हो गया। छोटे भाई की वजह से मुझे टेंशन मिलना कम हो गई, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टेंशन सी करूँ। इस वजह से मेरा दोस्त मेरा मजाक बनाना शुरू हो गया कि यार तुम्हारी शादी की उम्र है, बच्चे पैदा करने की उम्र है, और तुम्हारा अपना छोटा भाई हो गया, और मेरे हर जगह मजाक बन गया। तो मैंने काम ये किया कि मैंने एक लेटर लिखा, अपने छोटे भाई को पकड़ा और उसको आपके दरवाजे के बाहर छोड़ के चला गया। अरे दे मेरा बच्चा। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। I'm sorry पापा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे बदतमीजी की। इट्स ओके बेटा, लेकिन कुछ लोगों को तो सॉरी कहना आता ही नहीं है। अच्छा सुनो जानू, बेबी, शोना, आई एम सॉरी। आवाज आई आपको? आई किसी को भी आवाज दी? अब आई है बस। आ गई आ गई आ गई शमसी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम जाके मेरे लिए पानी लेकर आओ। पूरा पार्ट हो गया था, अभी तक चमाट नहीं पड़ा था तुझे। जाओ अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो ऐसे करके दबाएगा जैसे मैं इनको दबाती हूँ। मम्मा से याद आया कि मतलब आपकी कभी जवानी का कोई किस्सा ही सुना तो मम्मा और आपकी मतलब क्या कहते हैं सेटिंग। पहले तो तुम इस बात को क्लियर करो कि हमारी शादी होगी भी या बस ऐसे ही टाइम पास चलता रहेगा। आप जाइए, हम देते हैं।